हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। और आज हम एक शादी में जाने वाले हैं। इट्स इन नेवासा एंड वो मेरे मामा लगते हैं जिनकी शादी है। एंड वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। बहुत टाइम बाद हम कोई शादी में जा रहे हैं। आज पूरा फैमिली व्लॉग होने वाला है। और चलो और देखो हम क्या करते हैं आज के दिन। और अब हम घर से निकल चुके हैं मासी को कल्याणी नगर से पिक करके, वैसे ही हम नेवासा के लिए निकलेंगे। तो अब हम मासी की सोसाइटी में आ चुके हैं। मैं कुछ स्नैक्स और मेडिसिन लेने गई थी। वो लोग अंदर रुके हैं मासी को पिक करके, देन वी लीव। रंजनगांव गणपति आए हैं, रास्ते में लग रहा था इसलिए। एक रांजनगांव महागणपति आठवां गणपति यानी आठवां अष्टविनायक मंदिर है। महागणपति के मंदिर को त्रिपुरारी महागणपति के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर रांजनगांव पुणे अहमदनगर हाईवे जाते वक्त लगता है। पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। अन्नदान के लिए रुके। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं था इसलिए मैंने शूट किया नहीं ज्यादा। तो अब हम जा रहे हैं। हम यहाँ पे रुके हैं नाश्ते के लिए। यहाँ स्पेशल है मिसल। ये है मिसल, ये है वड़ा पाव विद दैट स्पेशल चटनी, और ये है वड़ा सैंपल, और ये हमने कुछ घर से लाया था मेथी के पराठे, तो वो भी खाएंगे। सरहदवाड़ी समृद्धि हाईवे है ना। हाँ, समृद्धि वो काफी फास्ट है। आधे घंटे में शिरडी जाते हैं। तो हमें शनि शिंगणापुर ना
5 किलोमीटर की दूरी पर ही था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ जाते हैं। श्री शनेश्वर देवस्थान ये शिंगनापुर गांव नेवासा तालुका में है। माना जाता है कि ये मूर्ति काली शिला के स्वरूप में यहाँ एक नदी के बाढ़ में बहकर आई थी। बाढ़ कम होने के बाद भी ये शिला यही जड़ी रही। एक चरवाहे ने उस शिला को तोड़ने की कोशिश की, तब उसमें से खून निकला। ये देखकर वो डर गया और उसने सारे गांव वालों को बताया। कुछ दिनों बाद शनिदेव स्वयं एक गांव वाले के सपने में आए और उससे कहा, मैं कर्मफल दाता शनि हूँ और नदी के बाढ़ में बहकर आई काली शिला में पृथ्वी पर स्वयं प्रकट हुआ हूँ। इस पर जब गांव वाले ने उनके लिए मंदिर बनाने के बारे में पूछा, तब शनिदेव ने मंदिर बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे छत की जरूरत नहीं है, ये संपूर्ण आकाश ही मेरे लिए छत है। हमने शनि शिंगनापुर के भी दर्शन ले लिए, शनि भगवान के भी दर्शन ले लिए। इसके साथ शनिदेव ने गांव वालों को अपनी पूजा करने का और शनिवार को तैलाभिषेक करने का निर्देश किया। नेचुरल होगा मासी, सच्ची ना।